साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों पॉजिटिव रहने से ये होता है कि जो आपकी पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक सोच होती है, यही आपकी लाइफ में चेंजेस लाती है। आज मैं आपको आटे का और सिंदूर का एक बहुत ही खास वशीकरण का प्रयोग बता रहा हूं। अगर पॉजिटिव होकर के सही शुद्ध तन मन के साथ में इस प्रयोग को आप कर लेते हैं, आप देखेंगे जिस व्यक्ति को आप जितना प्यार करते हैं, उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति आपसे ज्यादा आपको प्यार करेगा, आपको आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। यदि किसी व्यक्ति को आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, तो इग्नोर करने वाला भी आपको आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। प्रयोग बहुत ही सात्विक है और बहुत ही चमत्कारिक है। एक दिन का ये प्रयोग है और जैसे कि हर वीडियो को आप लोगों को बताता हूं कि जिस व्यक्ति का आप वशीकरण कर रहे हैं और उस व्यक्ति के ऊपर यदि पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, कुछ ब्लैक मैजिक है, या उसके ऊपर पहले से वशीकरण है, तो उस व्यक्ति पर कोई भी विधि वर्क नहीं करेगी जब तक कि उसके उस व्यक्ति के ऊपर से उस तांत्रिक क्रिया को रिमूव न किया जाए। क्योंकि देखिए तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, इसमें काफी रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप लोग किसी व्यक्ति पर काफी विधियां ट्राई कर रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है या उसका पहले से वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है। ऐसी कंडीशन में यदि मेरे से विधि करवाना चाहते हैं, मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी जिसका परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में दिखाई देगा। अगर आपसे कोई ये बोलता है कि आपको एक दिन में, एक घंटे में वशीकरण करके दे रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको ABCD नहीं पता होती है, ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों से अलर्ट रहें थोड़ा, ठीक है। और आज का जो प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, आपको इस प्रयोग को किसी भी आप पूर्णिमा के दिन में कर सकते हैं और गुरुवार के दिन में कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन में, अर्जेंट नीड है किसी भी दिन कर सकते हैं। बस मन में पॉजिटिविटी होना चाहिए, एक आस्था, एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं विधि कर रहा हूं, मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, मैं कर्म कर रहा हूं, है ना। लेकिन आपके मकसद एकदम जायज होना चाहिए, किसी का यूज करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप इस प्रयोग को ना करें। और दूसरी बात, कोई आपको यदि शत्रु परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कि ये प्रयोग ऐसा है कि किसी के दिमाग को एकदम पॉजिटिव कर देगा आपके लिए। कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखा हुआ है, बहुत ज्यादा आपके लिए नकारात्मक सोच रखता है, तो ये दिमाग को चेंज करने का काम करेगा, उसके दिमाग में पॉजिटिविटी लाएगा। वशीकरण का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि आप किसी को अपना गुलाम बना ले कि तुम उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये नहीं होता है। एक आप जो आपके मन में जो भावनाएं होती हैं, उस भावना को समझना, आपकी फीलिंग्स को समझना, ये कहलाता है। अब आप लोग सोचें कि किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रकृति खुद इसके लिए परमिशन नहीं देती है, है ना। तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूं ये आपको करना है थोड़े से आटे से और सिंदूर से, हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर जो अबीर होता है उससे आप इस प्रयोग को करेंगे। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा, आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, और यदि हाँ, एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि यदि आप लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, यदि आप लोग रेमेडीज कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का आपको कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा है, अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। क्योंकि बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट अनबैलेंस होता है, जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक लाइफ बैलेंस नहीं होगी। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रकार की यदि विधि की जाती है तो वो 100% वर्क करती है। यूट्यूब पे जितनी भी विधियां होती हैं जनरल होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी को रिजल्ट दे देती हैं, किसी को नहीं देती हैं। लेकिन बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अगर अनबैलेंस है और वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको कोई भी विधि वर्क नहीं करेगी। जब तक बर्थ चार्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग कोई विधि नहीं करेंगे।
ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। तो देखिए करना क्या है आपको, थोड़ा सा आपको ले लेना है आटा, ठीक है। आटे को आप मीठे पानी से, यानी कि थोड़ी सी अगर मिश्री को आप पानी में घोल लें या शक्कर चीनी जो भी आपके पास में अवेलेबल है उससे पानी को मीठा करके थोड़ा सा आपको आटा लगा लेना है। एक मुट्ठी में जितना आ जाए उतना आटा लगा करके इसका आपको एक पेड़ा बना लेना है। प्रयोग जिस दिन करेंगे, ठीक है, उस दिन सात्विक रहेंगे, शुद्ध तन मन के साथ में करना है और नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल इन चीजों को अवॉइड करना है। कोई भी पत्थर स्टोन ना पहना हो तभी इस प्रयोग को करें। महिलाएं यदि कर रही हैं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको पेड़ा बना करके, ठीक है, जब आपने आटा लगा लिया, डो बना लिया इसका, तो इसको गोल करके पेड़ा बना लें और पेड़ा बना करके अपने अंगूठे से इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा गैप कर देना है, छेद कर देना है उसमें। और आपको अपनी रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर हो गई, ये अंगूठा हो गया, इससे आपको इस तरीके से नागमुख बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। और एक चुटकी सिंदूर अबीर जो होगा जहां पर प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो एकांत में करेंगे, कोई भी आपको रोके टोके ना। नीचे आसन लगा करके सामने पटरा बिछाएं, उसमें कपड़ा बिछाएं, किसी भी पात्र में ये पेड़ा रख करके अंगूठे से छेद कर देंगे। घी का दिया जलाना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करना है, पूजा स्थान में बैठे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई रोके टोके ना। इस तरीके से आप उठाएंगे, उस व्यक्ति का नाम लेंगे, सिंदूर उसमें आप डाल देंगे। ऐसे करके आपको 11 बार उस सिंदूर लेना है, 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है और सिंदूर जो आपने अंगूठे से छेद किया पेड़ में उसमें आपको डालते जाना है। अब यहां पर आपको महादेव का ध्यान करना है, ठीक है, गणेश भगवान का ध्यान करना है, उसके बाद में 9 ग्रहों का ध्यान करना है, फिर जिस घर में आप रहते हैं वास्तु पुरुष यानी कि वास्तुपीठ भगवान उनका ध्यान करना है। आपको आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद देना है, उसके बाद में वहीं बैठ करके आपको एक मंत्र जाप करना है। देही में सौभाग्य मारोग्यम, देही में परमम सुखम, यशो देही दुसो जही, ठीक है। इस मंत्र को आपको पढ़ना है कम से कम 108 बार। सीधे हाथ में पेड़े को ले लेंगे, सीधे हाथ में पेड़ा, दूसरे हाथ में उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ, और आपको ये मंत्र पढ़ते हुए 108 बार मंत्र पढ़ना है। माँ आदिशक्ति दुर्गा माता से आपको प्रार्थना करनी है कि जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो आपके अनुकूल हो जाए तो वो आपको अनुकूल हो जाए, उनसे प्रार्थना करके इस पेड़े को उठा करके। और आपको अगर घर में मंदिर है तुलसी माता का, घर में तुलसी माता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहां कर भी मंदिर वगैरह हो वहां पर तुलसी के पास इसको ले जाना है। तुलसी के नीचे घर में करेंगे ज्यादा बेस्ट है, अगर तुलसी नहीं है तो तुलसी लेकर के आ जाए, तुलसी का गमला रखें, गमले के नीचे इस पेड़े को रख देना है। अब यदि पुरुष ने इस प्रयोग को किया है तो आपको इसका तिलक लेकर के और यही मंत्र पढ़ के और आपको माथे में लगा लेना है। अब यदि स्त्रियां कर रही हैं तो स्त्रियां क्या करेंगे, इसको अपनी नाभि में लगाएंगी, ठीक है। पुरुष माथे में लगाएंगे यानी कि जहां टिकली टीका लगाया जाता है, और महिलाएं यदि कर रही हैं तो इसको अपने नाभि में इस तिलक को आपको करना है। ये तिलक आपका पूर्ण हो जाएगा एक दिन का, और यदि जो शादीशुदा है तो वो अपने मांग में भी सिंदूर को भर सकते हैं। अब ये प्रयोग आपको, आपने जो पेड़ा रखा हुआ है वो पेड़ा वहां पर रखे रहने देना है कम से कम 7 days, 11 days या 21 days तक। वो तिलक आपको डेली यही मंत्र के द्वारा आपको लगाना है। अगर आपको 7 days में रिजल्ट मिल जाता है, इसको पेड़े को आपको उठाना है, माता रानी से प्रार्थना करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। 7 days में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 11 days नहीं मिल रहा है, 21 days में 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको विश्वास पक्का है तो आपको दूसरे दिन से ही रिजल्ट मिल जाएगा। पूरी यहां पर दोस्तों विधि जो है आपके कंसंट्रेशन पावर पे, आपके विश्वास, आपके आस्था पर डिपेंड करती है। अगर आप सही तरीके से बिल्कुल विश्वास के साथ में इस प्रयोग को कर लेंगे, दोबारा कोई और प्रयोग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, क्योंकि देखिए प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपकी सकारात्मक सोच यही वर्क करती है। एक डाउट क्रिएट कर देते हैं तो फिर एक कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, और पूरे विश्वास से करते हैं तो 100% रिजल्ट देती है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आपको कि अगर किसी व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, उस पर कोई भी विधि वर्क नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि मेरे से ये विधि करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी जिसमें 7, 11 या 21 दिन में आपको रिजल्ट साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें।
इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।